अबे साले माफ करना, मैं जो भाई मैं बहुत खतरनाक खेलता हूँ भाई, प्लीज यार एक गेम खेलो मेरे साथ प्लीज यार। अबे बोर्ड कह दिया ना एक बार कि तू मेरी रैंक को माइनस करा देगा। गजब बेइज्जती है भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नोब बोर्ड हूँ। अबे तू नोब नहीं है, बोर्ड नहीं है तो क्या है तू? आजा 1v1 टीडीएम में तुझे 0-40 से हरा के बताता हूँ, आजा बोर्ड साले। हाँ मैं बना रहा हूँ, मेरे पास रूम कार्ड है, मैं अभी तुम 16 कड़ों में बनाता हूँ, तुमको इनवाइट भेजता हूँ। रुको रुको, पहली बार पबजी खेल रहा हूँ और आज मैंने किसी से चैलेंज लिया, तो आज कभी हार गए तो आज मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। तो चलो यार फाइनली यार टीडीएम बनाना भी आता है कि नहीं यार, मुझे देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ मैंने ये तो सीख लिया था, अभी फाइनली मैं इसको बुला लेता हूँ और शुरू करते हैं यार आज का गेम प्ले। रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। म्यूजिक कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना मेरे भाई लोग। तो आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं पबजी प्रैंक वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में प्रैंक कर करके काफी अच्छे व्यूज लाते होंगे, परंतु वो कभी आपको एडिटिंग करना नहीं सिखाते हैं, तो यही एक प्रॉब्लम बन जाती है। बट आज की वीडियो में मैं आपको पबजी प्रैंक वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आने लगेंगे। तो भाइयों, आपने काफ़ी सारे प्रैंक वीडियो देखे होंगे, जैसे फ्री फायर में प्रैंक, पबजी में प्रैंक, रियल लाइफ में प्रैंक, परंतु उन वीडियो को देखकर आपको काफ़ी हंसी आती होगी और कुछ सीखने का मन भी करता होगा, परंतु ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? तो आप एक ही उपाय है आपके पास, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज आप प्रैंक वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट एंड तक सीख कर जाने वाले हो, इससे आपको काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो गाइस, अब यहाँ पर आपको पबजी का गेम प्ले लाना है। अब जहाँ तक आपको वीडियो एडिटिंग करना है उस पार्ट को रखना है और सिंपल सा जो सेकंड पार्ट है जहाँ पर एडिटिंग नहीं करना चाहते उसे कट कर देना है। अब कट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है पूरी वीडियो में। अब यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है, सिंपल सा देख लो। तो ये वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है, अब इसमें आपको सेटिंग करना है। तो देखो यार, ऑटो वॉल्यूम को 2 कर देना, इक्वलाइजर को 3x कर देना और रिव्यू को स्टूडियो कर देना है, जो कि सामने वाले मेन की वॉइस होगी तो वो आपको ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वॉइस चेंजर में जाकर गाइड कर देना, आप चाहो जैसी रखना है वैसी वॉइस रखना, बट मेरे हिसाब से मैं ऐसे सेटिंग कर देता हूँ। कुछ इसी प्रकार से सेकंड वाले में भी करना है, बट सेकंड वाले में अपनी वॉइस होगी तो इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो ऑटो वॉल्यूम में जाके इसको 1 कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो देखो गाइज, वॉइस आपको अलग अलग प्रकार से निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी वॉइस प्रॉपरली बन पाएगी। तो आप सोचोगे कि यार किसी ऐप से दूसरी वॉइस निकाल लेंगे तो अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता है गाइज, आपको अपनी वॉइस को अपनी तौर से एडजस्ट करना होता है, अपने प्रकार से अपनी वॉइस को निकालना होता है। उस प्रकार से आपकी मेहनत लगेगी, तभी जाकर आपकी वीडियो एकदम फनी वे में बनकर तैयार होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, जो कि है फनी साउंड क्लिप लगाना। तो अब आपको बैकग्राउंड साउंड का यूज करना है, जो कि आपकी वीडियो के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिससे आपकी वीडियो फनी दिखती है। सो फाइनली गाइज, अब यहाँ पर मैंने पूरे बैकग्राउंड साउंड का यूज कर लिया है, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट गाइज, अब यहाँ पर आपको कुछ मीम से ऐड करने पड़ेंगे। तो मीम से ऐड करने के लिए सिंपल सा मीडिया में जाना है और यहाँ वीडियो सिलेक्ट करनी है, जिस प्रकार से आपको फनी मीम से ऐड करनी है उस प्रकार का फनी मीम से यहाँ पर लाना होगा। तो जैसे कि मैंने इस मीम से को ले आया हूँ, आपको भी ये डाउनलोड कर लेना है। अब ये मीम से को कुछ इस प्रकार से आपको टेप करके रखना है और कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर लेना है।
अब यहाँ पर आपको एक बार और मीडिया में जाना है और एक और फनी मीम से लेकर आना है, जो कि ये वाला मीम होने वाला है। तो इस मीम को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक और बार मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपको एक और मीम लेकर आना है, जो कि हंसी वाली है। तो कुछ इस प्रकार से इसे भी एडजस्ट कर लेना है। जहाँ से ये मेन हंसेगा वहाँ से आपको कट लगा लेना है। तो सिंपल सा देख लो, मैं यहाँ से कट लगा रहा हूँ। अब सिंपल सा इसको जहाँ से ग्रीन स्क्रीन रिमूव होगी वहाँ पर इसको लाकर एडजस्ट कर दूंगा और इस प्रकार से इसको फुल कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको एक और मीम एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।